राजस्थान सरकार द्वारा हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त राजस्थान के द्वारा एक आदेश पारित किया गया है, जिसमें 3 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक दीपावली पर दूध से बने खाद्य पदार्थ, अन्य खाद्य सामग्रियां जो कि दीपावली पर जिनका सबसे ज़्यादा बिक्री बढ़ती है या जिनकी ज़्यादा खपत बढ़ जाती है, उनके नमूनीकरण के लिए ज़िले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी को ये आदेश दिए गए हैं कि एक विशेष अभियान चलाकर पूरे ज़िले में नमूनीकरण करवाएं और उनकी जांच करवाएं, क्योंकि इस त्यौहार के दौरान इन चीज़ों में मावा मावे की मिठाइयाँ, टॉफियाँ या ऐसी सामग्रियाँ जिनकी खपत ज़्यादा हो जाती है, उनमें मिलावट की संभावना बढ़ जाती है। उसकी संभावना को देखते हुए ज़िले में ये हम नमूनीकरण का कार्य स्टार्ट कर दिया है 3 तारीख से, जिसको कि 31 तारीख तक नियमित रूप से करते रहेंगे, और अगर में किसी भी तरह की कोई मिलावट पाई जाती है या इस तरह से मिलावटी पदार्थ पाए जाएंगे, रिपोर्ट आने के बाद इनको FSSA के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, कितनी दुकानों पर कार्रवाई की? शुरुआत अभी करी है हमने, पहली दुकान पर हम मावे के सैंपल ले रहे हैं, तो मावे के सैंपल यहाँ दो तीन मावे के मुख्य जो मेन व्यापारी हैं, जो कि यहाँ के पूरे ज़िले के निर्माता हैं और पूरे ज़िले में सप्लाई होती है, यहाँ से हम नमूने ले रहे हैं दोनों। किस तरह के नमूने मावे के? क्या सामने आया? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, जब तक लैब में रिपोर्ट जांच के लिए जाएंगे तभी पता लग पाएगा। मौके पर ऐसा कुछ ये पता चलता नहीं है कि भाई इसमें किस तरह की मिलावट होगी, तो वो जांच में लैब में जाने के बाद ही पता लगेगा। रमेश चंद सैनी, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, अजमेर।